हाय गाइज, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बायोलॉजी के शानदार ट्रिक्स। जितने भी रोग होते हैं उन्हें याद करने के जबरदस्त ट्रिक है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। और ये ट्रिक्स आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 2 बार 3 बार आप ये वीडियो देख लेंगे, आपको वो ट्रिक्स अच्छे से याद हो जाएगा। आइए चलिए देखते हैं वो ट्रिक्स कौन से हैं। पहला जो है कवक से होने वाले रोग। कवक से होने वाले प्रमुख रोगों के नाम इस तरह से है, इसके ट्रिक्स हैं। गंजा दामाद खाए फ्रूट, तो गंजा दामाद खाए फ्रूट ये सिर्फ आपको याद रखने की जरूरत है। गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा दामाद खाए फ्रूट, सिर्फ आप 4-5 बार 10 बार इसे केवल बोल लेते हैं तो आपको ये ट्रिक याद हो जाएगा। और ये किससे हो, कवक से होने वाले रोग हैं। गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा दामाद खाए फ्रूट, बस इतना ही याद रखना है। तो गंजा से क्या हो जाएगा, गंजा से गंजापन रोग होता है। और दामाद, दामाद में इसे 2 भाग में कर लीजिए, दमा, दमाग से हो जाएगा आपका, दमा जो होता है ये हो जाएगा। और इसके बाद ये वाला द है उससे हो जाएगा, दाद हो जाएगा। आपको कुछ करना नहीं है, बस देखते रहना है। और ये जबरदस्त ट्रिक है, ये ट्रिक को आप केवल याद कर लेंगे तो आपका पूरा काम हो जाएगा। तो इसमें गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा दामाद खाए फ्रूट, बस इतना ही याद रखना है आपको। और द से ये हो जाएगा दमा, और खाए, खाए से ख, खाए का ख ले लेंगे तो ख से हो जाएगा खाज, जो दांत खाज वाला होता है वो खाज हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद फ्रूट से हम मेरा हो जाएगा यहाँ पर एथलीट फूट हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए कि कितना सिंपल तरीका है ये कवक से होने वाले रोग को याद करने का। तो गंजा दमाद खाए फ्रूट, बस इतना ही याद रखना है। गंजा से गंजापन हो जाएगा, दमा से दमा हो जाएगा, द से दाद हो जाएगा, और खाए से खाज हो जाएगा, और फ्रूट से एथलीट फूट हो जाएगा। अब ये तो याद हो गया होगा आप लोगों को। अब चलिए अगला देखते हैं। और अगला क्या है, अगला जो है आनुवंशिक रोग। तो आनुवंशिक रोग को याद करने के लिए जो जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, जो जेनेटिक रोग होती है उसे याद करने के लिए सबसे अच्छे ट्रिक ये है, वही क्लिप वही डार्ट। ये ट्रिक आप याद कर लेंगे तो आपका ये आनुवंशिक रोग भी निकल जाएगा, इसी तरह से याद हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, 10 बार आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, वही क्लिप वही डार्ट, वही क्लिप वही डार्ट, वही क्लिप वही डार्ट, इस तरह से आप पढ़ते हैं तो आपका ये ट्रिक याद हो जाएगा। तो ये ट्रिक याद हो जाएगा आपका, तो इसको हम बता देते हैं कि वही इसका कौन किससे क्या हो जाएगा, वही व से हो जाएगा, वर्णांता हो जाएगा। और ही इसी का ये देखिए, ही जो है ही से हीमोफीलिया हो जाएगा। इसके बाद क्ली जो है क्ली से क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाएगा। तो आपको इसमें करना कुछ नहीं है, बस ये ट्रिक याद रखे रहिए ट्रिक से, और 2 बार 3 बार ये नाम पढ़ लीजिए आप, 2 बार 3 बार 4 बार, क्योंकि कोई भी ट्रिक को याद करने से पहले आपको उसका नाम पता होना चाहिए, बीमारी का नाम, कि हाँ ये बीमारी होता है तो आप तुरंत पकड़ लेंगे। तो बीमारी का नाम भी याद होना बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि ट्रिक वहीं पर काम करता है जहां पर आपको उस ट्रिक जहां पर लागू होता है, जहां पर आपको जो भी चीज याद करने की जरूरत है या फिर जो भी याद किया जाए। और जैसे यहां पर बीमारी है, तो बीमारी यहां दिया हुआ है तो हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया आप इस रोग को जानते हैं, तो ही आएगा यहाँ पर, तो ही से आप समझ जाएंगे कि हीमोफीलिया होता है। इसलिए रोग का नाम आपको याद होना जरूरी है, तभी आप ट्रिक को यूज कर पाएंगे। और ट्रिक केवल पढ़ लेते हैं, रोग का नाम केवल आपको याद हो जाए, याद क्या, याद भी नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, केवल मतलब कि आपके दिमाग में ये रहा जाए कि हाँ ये रोग होता है, तो आप तुरंत ऑप्शन मिलेगा, आप लगा देंगे। तो वही क्लिप वही डार्ट, ये ट्रिक सिर्फ याद रखे रहिए। और कहीं पर भी एग्जाम्स देते हैं तो वहाँ पर 4 ऑप्शन होते हैं, तो वही क्लिप वही डार्ट आप सिर्फ याद, वहाँ पर आ जाएगा आनुवंशिक रोग कौन सा है, तो उसमें दे देगा, हीमोफीलिया रहेगा, मान लीजिए दमा रहेगा, और मलेरिया रहेगा, इस तरह से दे देगा। तो आप ये ट्रिक याद रखे रहेंगे, वही क्लिप वही डार्ट, तो वही, तो आप जोड़ेंगे ही से क्या होता है, ही से हीमोफीलिया होता है, तो डायरेक्ट हीमोफीलिया पर आप टिक कर देंगे।
ये तो इस तरह से ट्रिक आपका काम कर जाएगा। तो क्ली का क्या हो जाएगा, क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। इसके बाद प से जो बनेगा वो पटो सिंड्रोम, पटो सिंड्रोम। इसके बाद है डा, डाट यहाँ पर बच रहा है तो डाट से हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। ये वही सिर्फ यहाँ वाला जो ये वही लगा हुआ है, ये सिर्फ सेंटेंस बनाने के लिए है। और इसके बाद है ट बजता है टर्नर सिंड्रोम। तो आप सिर्फ ये याद रखिए कि वही क्लिप वही डार्ट, ये याद रखिएगा ट्रिक, तो आपका अनुवंशिक रोग भी क्लियर हो जाएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। और क्योंकि ऑप्शन में मिलता है तो आप ऑप्शन में इसी तरह से लगा लेंगे। और इसके बाद चलिए देखते हैं, तो एक बार ये फिर देख लीजिए, वर्णांधता होता है व से, ही से हीमोफीलिया हो जाएगा, क्ली से क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम हो जाएगा, पल से पटो सिंड्रोम हो जाएगा, डा से डाउन सिंड्रोम हो जाएगा, ट से टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। अगला चलिए देखते हैं रोग के बारे में, जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाले रोग। तो बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं, तो जीवाणु से होने वाले रोग आपको इसका ट्रिक जो है ये है, डिप्टी का टीका न्यू है। तो डिप्टी का टीका न्यू है, तो इसे याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि डिप्टी का टीका न्यू है। तो ये ट्रिक आप याद रखते हैं तो आपका सारा काम हो जाएगा। डिप्टी का टीका न्यू है, डिप्टी का टीका न्यू है, बस इतना ही आपको 8 से 10 बार बोलना है। तो डी से हो जाएगा डिप्थीरिया हो जाएगा, डी से डिप्थीरिया, प से प्लेग, टी से टाइफाइड और का से काली खांसी। बस आपको बस यही याद रखना है, डिप्टी का टीका न्यू है, डिप्टी का टीका न्यू है, बस इतना याद रहेगा तो आपका ट्रिक काम कर जाएगा। इसमें पूछ देगा कि जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो आंसर में रहेगा हीमोफीलिया रहेगा, दमा रहेगा, अस्थमा रहेगा, डिप्थीरिया रहेगा। तो आपको जब ट्रिक याद रहेगा तो आप डिप्टी का टीका देखेंगे तो डी से आपको समझ में आ जाएगा कि डिप्थीरिया होता है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिए टी से हो जाएगा टिटनस हो जाएगा, फिर का जो बच रहा है यहाँ पर टीका का बच रहा है, तो का से कुष्ठ रोग होता है, कुष्ठ हो जाएगा, न्यू से न्यूमोनिया हो जाएगा, और है जो बच रहा है से हैजा हो जाएगा। तो इस तरह से डिप्टी का टीका न्यू है, इसे बस 10 बार आप याद कीजिए, 10 बार बोलिए याद हो जाएगा, डिप्टी का टीका न्यू है, डिप्टी का टीका न्यू है, डिप्टी का टीका न्यू है, डी से डिप्थीरिया हो जाएगा, प से प्लेग हो जाएगा, टी से टाइफाइड हो जाएगा, का से काली खांसी हो जाएगा, टी से टिटनस हो जाएगा, का से कुष्ठ रोग हो जाएगा, न्यू से निमोनिया हो जाएगा, है से हैजा हो जाएगा। इसके बाद चलिए देखते हैं अगला जो है वो है विषाणु वायरस से होने वाले रोग। तो इसमें देखिए ज्यादा रोग दिया हुआ है, रोगों के नाम दिया हुआ है, तो विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, तो इसकी ट्रिक्स है कि ए चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पे छापो। तो ए चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पे छापो, इतना आपको ट्रिक याद करना है। ये ट्रिक थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन याद हो जाएगा, इसका सेंटेंस अच्छा बना हुआ है, आपको याद हो जाएगा। ए चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पे छापो, ए चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पे छापो, बस आप 10 बार इसे बोल दीजिएगा ये याद हो जाएगा। और इसके बाद देखिए देखते हैं, ए चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पे छापो, तो ए से हो जाएगा एड्स हो जाएगा, और चाचा से च हो जाएगा, च से चेचक हो जाएगा, फिर इन्हें इन्हें का इन से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, और हे से हो जाएगा हर्पीस, ह से हे का ह से हो जाएगा हर्पीस, और डा जो है यहाँ डाटो, डाटो का डा मतलब कि ड से हो जाएगा डेंगू, और टो से हो जाएगा मतलब टो का ट से हो जाएगा ट्रेगोमा, ट्रेगोमा हो जाएगा। फिर उसके बाद है खरे, खरे का ख से हो जाएगा खसरा, और रे से हो जाएगा रेबीज। इसके बाद है गाल बच रहा है, तो गाल से हो जाएगा गलसुबा होता है, और एक रोग होता है ये। और इसके बाद पे का मतलब कि प से पीलिया हो जाएगा, और इसके बाद छापो, छापो का मतलब हो जाएगा कि छा से छोटी माता होता है, और छा से छा के छ से मान लीजिए छोटी माता हो गया, और पो से पोलियो हो गया। तो इस तरह से आप विषाणु से होने वाले रोग के नाम भी याद कर लेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, ए चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पे छापो, ए चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पे छापो, ए चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पे छापो। तो इस तरह से आप इसे 10 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। इसके बाद अगला चल ये देखते हैं, अगला है प्रोटोजोवा से होने वाले रोग। तो
तो प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं? तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग है, वो रोग का ट्रिक जो है वो पानी पे मक्का। तो ये ट्रिक आप याद कर लेते हैं, पानी पे मक्का, पानी पे मक्का, पानी पे मक्का, 10 बार आप केवल बोल दीजिए पानी पे मक्का तो आपको याद हो जाएगा। तो इसे याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक यही है, पानी पे मक्का। पानी मतलब पा से हो जाएगा, पायरिया हो जाएगा, नीक से हो जाएगा निद्रा रोग, और पे जो हो जा रहा है पे से हो जाएगा पेचिस, और मक्का का म से हो जाएगा मलेरिया, और का से हो जाएगा काला आजार। तो इस तरह से आप देखते हैं कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग को भी याद किया जा सकता है। और इसके बाद इन सभी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैं अपने अगले वीडियो में शेयर करूंगा, जिससे आप लोगों को ये और भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और किस तरह से ये याद हो जाएगा आपको। इससे पहले आप इस वीडियो को कम से कम रिवाइज कर करके कई बार देखिए, ताकि आपको अच्छे से ये ट्रिक याद हो जाए। और इस ट्रिक को याद करने का सबसे अच्छा तरीका मैं बता ही दिया हूँ, कम से कम 10 बार आप बोलिए तो 10 बार में आपको निश्चित है तौर पर है कि याद हो जाएगा। और याद हो जाने के बाद उसे आप पेन कॉपी पेन लेकर कॉपी पे लिख सकते हैं। और अगला जो वीडियो मैं डालूंगा उसमें इसी से जितने भी रोग हैं इससे रिलेटेड मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन डालूंगा, जिससे कि आपका एग्जाम्स के आधार पर भी ये क्लियर हो जाएगा। आइए आगे चलिए देखते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना है कि जो लोग यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। और ये देखिए लिंक दिया हुआ है www.youtube.com/selfguidedstudycenter। और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।